सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना। सो गाइस यार, आज फिर से एक ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि इससे पिछले वाला ब्लॉग मैंने संडे को शूट करके मंडे को अपलोड किया था, और आज है ट्यूसडे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग बनाया जाए, दोबारा से इसको शेड्यूल में लाया जाए, क्योंकि यार सम रीजन्स मेरे को बोलता ना, मैं अपने डेडिकेशन से हट गया था कैसे थोड़ा सा, और अदर्स काम के वजह से। तो अभी फिर से वो चालू कर रहा हूँ। तो यार अभी सुबह के बज रहे हैं अप्रॉक्स 6:30, तो इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, 6:45 कुछ तो बोलते हैं, ध्यान नहीं है। क्या बढ़िया था गुरु। तो आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता दो यार, क्योंकि मेरे को ये नहीं आता है 6:45 वाला। तो अभी चलते हैं यार ऑफिस के लिए, और मैं उठ चुका हूँ, ब्रश मैंने कर लिया है, नहाऊंगा मैं आज नहीं, क्योंकि देखो मौसम, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे यार, थोड़ा सा ख़राब है, और पिछले 22-25 दिन से तो लगातार ही ख़राब है मौसम, और मेरे बहुत ज़्यादा जुकाम है, तो उसकी आप आवाज़ से पता लगा सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको मौसम, उसके बाद चलते हैं हम लोग ऑफिस। सो गाइज, मौसम देख रहे हो आप यार, पीछे नीचे वाले लाल बादल हैं, उसके बाद में ऊपर थोड़े ब्लैक, थोड़ा बीच में वाइट, फिर उसके बाद में ऐसा मज़ा ही, मतलब यार एक कैमरा होता ना, इतना फाड़ फोटो आता ना इसका, इतना फाड़ फोटो आता ना कि मैं तुमको क्या बताऊँ। अब उसमें जूम लेंस होता तो और भी तगड़ा फ़ोटो निकाल देता मैं इसका। और ये जा रही है सामने मर्सिडीज़ की बस, मर्सिडीज़ के एम्प्लॉयज़। तो यार चलते हैं, फिर अभी बदलते हैं कपड़े, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपको कपड़े बदलने के बाद में। यार फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, और मैंने जैकेट इसलिए पहनी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जुकाम और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, आधा डिग्री से भी कम फीवर है, मतलब कि 98 मतलब अभी जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मेरे को रात में फीवर की शिकायत थी, इसलिए बारिश में भीग ना जाऊँ इसलिए मैंने कैप भी लगा लिया है। हालाँकि मैं इसके बाहर से छतरी भी लूँगा, पर महाराष्ट्र में कभी कभी ऐसे करके भी बारिश आ रही है तो वो गले में इफेक्ट कर रही है। और यही वाला कोट मैंने इसलिए पहना क्योंकि ये मेरा बचपन का साथी वाला है, बोला बचपन का प्यार वाला है मेरा, भूल नहीं जाना रे, इसने मुझको कहा है भूल नहीं जाना रे बचपन का प्यार, ठीक है। तो इसके वजह से मैं इसको ही पहनना अच्छा लगता है, मेरे को कंफर्टेबल लगता है। हालांकि मेरे पास में 2 कोट और है, एक रेन कोट है और एक स्वेटर है, बट मैं उसको पहनता नहीं क्योंकि वो मुझको अच्छी नहीं लगती है। तो ये मेरे को पसंद है, अभी कई लोग कमेंट मत कर देना एक ही कोट रहता है, अब यार मेरे को यही अच्छा लगता है, मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं ऑफिस, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को मे बी ऑफिस के अंदर, मे बी आई एम नॉट डैम श्योर, बट अगर फिर ऑफिस ख़त्म होने के बाद शाम को 6 बजे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे मेरी छुट्टी 3:30 बजे हो जाती है, बट मैं अभी काम सीखने की वजह से और थोड़ा और सम रीजन्स ओटी की वजह से रुकता हूँ, तो लेट्स गो। सो गाइज यार, अभी आ चुका हूँ मैं वापस से रूम में, और शाम के बज रहे हैं 6, तो छुट्टी हो गई थी यार, तो मेरे सीनियर ही हैं, वो मेरे को बाइक पे छोड़ देते हैं यहाँ पे तक, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा शर्म लगती है आप लोगों के सामने। हालांकि उनको पता है मेरे यूट्यूब चैनल है, बट फिर भी एकदम, मतलब कि ये शर्म मेरे को हटाने के लिए मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, मतलब कि मेरे को कैमरा फ्रेंडली होना है, और यहाँ पर पापा का मस्त नाइट ड्यूटी है, तो इसलिए वो अभी तक उनने आराम कर लिया है, सुबह 8 बजे आ जाते हैं वो, अभी तक पूरा वो कर लिया, और आज रात में शायद उनकी छुट्टी भी है तो मस्त वो फ़ोन चला रहे। तो अभी सीन ऐसा है कि पहले पसीना उतारते हैं, क्योंकि इस कोट जो है ना मेरा बचपन का साथी, बहुत बहुत रिलैक्स हुआ, मेरी आवाज़ आप सुबह से अभी देख रहे होंगे, और मैंने 2 बार काढ़ा भी पिया था आज दिन भर में, तो अवेलेबल हो जाता है काढ़ा वाढ़ा, तो अच्छा लगा मेरे को पी के यार, बहुत मतलब बोलते ना राहत मिली गले में, देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस यार, अभी रात में हो चुका है, अंधेरा में दिखाता हूँ आपको, बाहर जाके रुको, फुल टू अंधेरा गली में, और आज स्ट्रीट लाइट जली नहीं है हमारी, पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा था बालकनी में जाके शूट करूँगा, बट हुआ नहीं। सो गाइस यार, काफ़ी देर से मैं अपना माइक ढूंढ रहा हूँ जो मुझको मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप साउंड सुन रहे होंगे माइक से, एकदम क्लियर साउंड आता है पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, स्टार्टिंग में नहीं। हाँ याद आया, वे वीडियो बनाते बनाते याद आया किधर रखा है माइक, देखो बैग में भी देख लिया था मैंने, उससे हमको खाने की चीज़ तो मिली, पर
वो नहीं मिला, तो इधर मैंने जो सुबह जैकेट पहना था इसके मैंने इस वाले चेन में डाल दिया था माइक, मैंने देखा तो था पर हाँ मिल जा भाई निकल जा, हाँ मिल गया। तो ये साउंड क्वालिटी जो है ये विदाउट माइक की है, और अब माइक के बाद देखना कैसा रिजल्ट रहता है। सो गाइज यार माइक लग चुका है और अब साउंड में आप देख सकते होंगे कि पहले का और अभी जस्ट 10 सेकंड पहले का और अभी के साउंड में कितना अंतर है। और मुझे एक बंदे ने कहा था यार कि अपने मुंह के बहुत करीब माइक को मत रखना, उससे जो हम ब्रीथिंग करते हैं उसका भी नॉइस आता है, अफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं और वो एडिटिंग में प्रॉब्लम करता है। और यार जबकि मैं बोलते ना एक मोबाइल से शूट करता हूँ उसमें मेरा हाथ इतना थकता है, तो सोचो जो कि जो कैमरे से शूट करते होंगे उनका कितना थकता होगा यार। तो अभी सीन ऐसा है कि यार शाम को मैं खाना मैंने छोड़ रखा है फ़िलहाल, क्योंकि सीन ऐसा है यार क्योंकि अपना एक फैमिली पैक आ रहा है तो उसको हमको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 6 ऐप्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके वजह से हम 6 ऐप्स की कोशिश कर रहे हैं। 6 पैक होता है 6 ऐप होता है मुझे यही पता नहीं है अभी, बस मेरे को स्लिम बॉडी चाहिए यार थोड़ा सा ना, तो इसकी वजह से मैंने रात में खाना छोड़ रखा है, मतलब बहुत थोड़ा सा खा रहा हूँ मैं और पानी पीता हूँ सो जाता हूँ, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मस्त वाला कंपनी में जाके, क्योंकि 6 बजे चला जाता हूँ और 8 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता है हमको, तो ब्रेकफास्ट करते हैं मस्त। और चाय भी मैंने छोड़ रखी है अभी, तो मैंने बहुत दिनों बाद कॉफ़ी भी छोड़ रखी है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि वीगन होने की, तो ये मैं जिस दिन पूरा हो जाऊँगा उस दिन ही रिवील करूँगा कि हाँ मैं आज से वीगन हो गया। बस कोशिश अभी मेरी जारी है, 4-5 साल तो लग ही जाएंगे आराम से, तो हो सकता है जब तक हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लें अपनी लाइफ में। यार सोच कैसा लगता है ना 4 साल बाद कैसा होगा यार मेरा लाइफ, तो वो सब आप लोगों को दिखेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यार देखो अभी मेरे ना सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत कम है, तो लोगों को ना शर्म लगती है एक दूसरे को, ऐसा नहीं है यार भाई देखो अगर मैं आज ऐसे वीडियो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की तो आई होप मैं आगे जाके अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और मैं आप मेरी पिछली वीडियो से और आपकी वीडियो में देखना कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आई होगी, चाहे कैमरा के एंगल से लेकर लाइटिंग से लेकर क्वालिटी से लेकर, क्योंकि बहुत बोलते ना जो हॉली हॉली चल दे ब्रो लॉन्ग टाइम वही चल दे ब्रो, तो इसलिए अपना तो वही फंडा है यार, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं लाइफ में बिहाइंड द कैमरा, मैंने आपको शायद पिछले कई वीडियो में कहा होगा, तो जब वो दिख हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय टेक केयर, साइनिंग ऑफ SNS सेना, बाय 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 ऑन रॉक। तो गाइस यार जुखाम भयंकर चालू है।